हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है अमिता की किचन से। और आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा मसाला। अब देख लेते हैं कि हमको राजमा मसाला के लिए क्या चाहिए। ये 2 बड़े टमाटर हैं जिसको हमने कस लिया है। ये 2 बड़े प्याज हैं, इसको भी हमने कस लिया है। ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च हमने इसमें काट ली है। अदरक और लहसुन हमने चॉप कर लिया है। ये कुकिंग ऑयल है, ये पिसा हुआ धनिया है, ये राजमा मसाला है, ये नमक है स्वाद अनुसार, ये कश्मीरी मिर्च है, ये जीरा है, ये हल्दी है, ये लाल मिर्च है, और ये हींग है, और ये वाटर है। चलिए तो बनाते हैं हम राजमा मसाला। गैस को ऑन करते हैं, कढ़ाई को गर्म करने देते हैं। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। यहाँ हमने 2 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने राजमा उबाल लिया था। ये राजमा उबाल हो चुके हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम जीरा डालते हैं। अब चॉप किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ धनिया डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्राउन हो चुका है, भुन चुका है। अब हमें इसमें जो हमने प्याज कसे थे वो डालेंगे। थोड़ा ब्राउन होने दें। देखिए भुन चुका है, भुन चुका है। अब हम इसमें हींग डालेंगे। हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, कश्मीरी मिर्च डालेंगे, और ये राजमा मसाला डालेंगे। इसको भी हम भून लेंगे मसाले के साथ। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। Thank you.
यहाँ पर हमने थोड़ा सा राजमा लेकर पेस्ट, इसका पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से भून लेंगे, नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये बॉयल राजमा डाल देंगे। और इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार पानी डाल देंगे। हम इसको इतना गाढ़ा भी खा सकते हैं, पर थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। ये हमारा राजमा मसाला तैयार है। ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।